हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं और उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। एक्सरसाइज नंबर 5.7, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। एक्स का क्यूब जो होता है, क्यूब कहते हैं 3 को और स्क्वायर कहते हैं 2 को। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमें फैक्टराइजेशन करनी है बाई मीन्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लेट करके पॉलीनोमियल ऑफ एक्स करके आप लिख दें। उसके बाद आप क्या करें, डिवाइजर्स ऑफ 24, मतलब कि जो एंड वाला जो कॉन्स्टेंट है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे लास्ट टर्म है जो कॉन्स्टेंट है, उसके आप डिवाइजर्स फाइंड कर लें। तो डिवाइजर्स, जैसे कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी ये बता चुका हूँ कि डिवाइजर्स वो नंबर होते हैं जो कि किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिविजिबल कर दें। जैसे 24 है, उसको डिविजिबल करने के लिए कौन कौन से नंबर रिक्वायर्ड हैं, मतलब है कम्प्लीटली डिविजिबल, कोई ऐसा आंसर नहीं है जो पॉइंट में आ रहा हो। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, हमारे पास हो सकते हैं प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 24। मतलब अगर 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 8 आएगा, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 24 को 24 से डिविजिबल करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह हमारे पास 24 के ये सारे डिवाइजर्स आ गए जिससे कि 24 कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकता है। आगे चलते हैं। अब आप क्या करें, अब आप पुट करते जाएं, मतलब आप पहले एक्स की वैल्यू यहाँ पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले आप वन पुट करके देखें, वन प्लस वन पुट करके देखते हैं। तो प्लस चाहे प्लस साइन जो होता है वो हमारे पास वो हिडन होता है, वो शो नहीं करते हम। तो अब इसको पुट करा के देखते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा पी ऑफ वन और ये हो जाएगा वन का क्यूब माइनस, सॉरी ये माइनस ही आएगा, वन का स्क्वायर, मतलब कि एक्स की जगह वन डालना है, 14 एक्स की जगह वन डाल दीजिए, वन और प्लस 24। सही है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10। तो आपके पास तो ये जीरो आया ही नहीं, तो आप आगे चले जाएं। आगे क्या करें, आप माइनस वन पुट करके देखें, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो पुट क्या एक्स इक्वल टू माइनस वन उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो हो जाएगा माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस 14 माइनस वन प्लस 24। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास 36। अभी भी जीरो नहीं आया, तो अब आप क्या करेंगे, आपने जैसे पहले प्लस वन पुट कराया और उसके बाद माइनस वन पुट कराया, अब आप चले जाएं आगे टू पे, एक्स की वैल्यू प्लस टू पुट करा के देखें। तो पुट एक्स इक्वल टू टू प्लस टू, तो प्लस साइन तो हिडन होता है तो टू लिख दें सिर्फ। ये हो जाएगा पुट टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टू का क्यूब माइनस, ये हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस 14 टू प्लस 24। अब ये हो जाएगा 8 माइनस 4 और ये हो जाएगा माइनस 28। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जीरो आ जाएगा, टू का क्यूब 8 है माइनस 4 है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और उसके बाद हमारे पास ये माइनस का 28 है और ये प्लस का 24 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो हमने ये सपोज कर लिया कि 100 वही पुराना पैटर्न है, एक्स इक्वल टू टू। तो अब एक्स टू को उधर लेकर आ जाएं, ये हो जाएगा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो जो एक्स माइनस टू आया, ये एक फैक्टर आ गया है, ये एक फैक्टर आ गया। तो हमने इसको बोल दिया कि देयर फोर एक्स माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब पॉइनोमियल ऑफ एक्स का एक्स माइनस टू एक फैक्टर है। हमने इससे पहले वाली वीडियोज में भी यही एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्स माइनस टू एक ऐसा फैक्टर है जिससे आपकी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन थी वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। किससे, एक्स माइनस टू से। जो हमने ये भी सॉल्व करा है, ये वाले जो स्टेप करे थे, पुट एक्स इक्वल टू, ये सब इसके लिए करे थे ताकि हम ऐसा फैक्टर फाइंड कर सकें जिससे हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो अब आप क्या करेंगे, देयरफोर के बाद से आप लिखेंगे नाउ डिवाइडिंग द गिवन पॉलिनोमियल बाय एक्स माइनस टू। अब आप जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको आप डिवाइड करते हैं एक्स माइनस टू से,
तो आइए डिवाइड करते हैं इसको फिर, x माइनस टू को आप बाहर लिख दें और अंडर ब्रैकेट के अंदर आप अपनी पॉइनोमियल को लिख दें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 24। अब इसको डिवाइड करते हैं, जैसा आपको इससे पहले भी परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड में भी यही बताया था कि आप पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहली वाली टर्म को कैंसिल आउट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप लिख दें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो एक्स का क्यूब आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से, ये रहेगा माइनस का 2x स्क्वायर, सही है। यहाँ डिविजिबल लाइन ड्रॉ होती है और डिवाइड में क्या होता है, साइन चेंज कर देते हैं माइनस और ये प्लस, तो ये रहेगा एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का 2x स्क्वायर है। अब ये भी है कि इसको सॉल्व करना है, अलजेब्रा थोड़ा सा टफ हो जाता है ऐड और सबट्रैक करवाना। तो आप इस तरह मान लीजिए कि आपके पास 2 रुपये हैं प्लस का 2, मतलब कि प्लस जो साइन है वो आपके पास है, प्लस का 2 है वो आपके पास हैं, तो और जो एक्स स्क्वायर है मतलब कि जो नेगेटिव है माइनस वन है वो आपका किसी पर कर्ज है। तो आप क्या करें, 1 रुपये किसी का कर्ज है और 2 रुपये आपके पास हैं, तो आप उसका 1 रुपये कर्ज दे देंगे, तो आपके पास कितने बचेंगे, 1 रुपये। तो आपके पास 1 रुपये आपके पास बच गए, तो वो प्लस साइन है। आगे माइनस 14x प्लस 24, इसको उतार लें, या प्लस 24 को छोड़ दें, बस इसको उतार लें, दो टर्म को, एक टर्म को उतार लें। उसके बाद आगे चलते हैं, अब ये इसमें एक्स स्क्वायर को कैंसिल करने की कोशिश करें, वही पहली टर्म आ गई इस पूरी पूरी चीज़ में, पहली टर्म एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का एक्स, तो एक्स एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर, और ये रहेगा एक्स टू ज़ा माइनस 2x। डिवीजन लाइन ड्रॉ करेंगे माइनस और ये प्लस, साइन चेंज कर देंगे बस, ये कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस 14 और ये प्लस 2 है। वही वाली बात दोबारा आ गई, कर्ज वाली बात, जैसा कि माइनस का 14 मतलब कि 14 रुपये किसी के कर्ज हैं और 2 रुपये आपके पास हैं, तो आपने उसको 2 रुपये दे दिए, अब कर्ज कितना बचा, 12 रुपये कर्ज बचा है, तो ये माइनस 12 आ गया। आगे प्लस 24 को कॉपी कर लें। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या रखेंगे, जो 12 माइनस का 12x आ जाए, तो आप रखेंगे माइनस का 12, तो माइनस का 12 मल्टीप्लाई कराएंगे x से, तो ये रहेगा माइनस का 12x, माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 12 24, प्लस 24। डिवीजन लाइन ड्रॉ कर दें, साइन चेंज कर दें नीचे वाले की, ये हो जाएगा माइनस से प्लस और ये रहेगा प्लस से माइनस, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, वो ये था पी ऑफ एक्स, ये चीज़ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, ये स्टार्ट में हमने बताया था ये पी ऑफ एक्स है। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, ये था, उसके दो फैक्टर आ गए, एक्स माइनस 2 आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 आ गया, तो ये रहेगा एक्स माइनस 2 एक फैक्टर आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 ये एक फैक्टर आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही उतार लेंगे एक्स माइनस 2 और इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन भी रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हो जाएगी, मगर आप इस सवाल में एक दफ़ा रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर चुके हैं तो अब दोबारा अप्लाई ना करें, इसमें डायरेक्ट आप क्या करें, मिडिल टर्म ब्रेक लगा दें। तो मिडिल टर्म ब्रेक कैसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसी छोड़ दें और माइनस 12 को ऐसी छोड़ दें, ये प्लस एक्स है। अब आप इसको इस तरह तोड़ना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, मतलब प्लस 4x माइनस का 3x, आपने इस तरह इसको ब्रेक डाउन कर लिया। हमने इस पर एक प्लेलिस्ट बनाया है मिडिल टर्म ब्रेक के नाम से, अगर आपने वो विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको विजिट कर लें, ताकि मिडिल टर्म ब्रेक आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए। एक्स माइनस 2 ऐसे लिख देंगे। अब इन दोनों टर्म में x को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 4 और यहाँ पर माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 4 आ जाएगा। x माइनस 2 ऐसे ही लिख देंगे और हमारे पास x माइनस 3 x प्लस 4 ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, जो पॉइनोमियल ऑफ x था, ये पॉइनोमियल ऑफ x था x क्यूब, जैसे सवाल में गिवन था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, इसको हमने फैक्टराइजेशन कर ली, इसकी फैक्टराइज कर दिया इसको, किसमें, इसमें फैक्टराइजेशन कर ली इसकी, x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 4, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, इसका मतलब है ये एक टर्म है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक एक्सरसाइज के एक सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 5.7 और क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, और इसको सबसे पहले आप क्या करें, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लेट करके लिख दें। ये मैं बताना भूल गया कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, और वो करनी है फैक्टराइजेशन बाय मींस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कि आप रिमाइंडर थ्योरम की मदद से आप इसकी फैक्टराइजेशन करें।
तो आइए चलते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी रिमाइंडर थ्योरम के जरिए। वही पुराना स्टेप है, हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन तीनों सवाल में हमने फैक्टराइजेशन रिमाइंडर थ्योरम के जरिए की थी और वही पैटर्न हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेट करके पॉलीनोमियल ऑफ एक्स करके आप लिख देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। आप लिखेंगे डिवाइजर्स ऑफ 8, जो कॉन्स्टेंट है उसके डिवाइजर लिख देंगे आर। कौन कौन से डिवाइजर होंगे इसके? +-1, +-2, +-4, +-8। मतलब डिवाइजर्स वो होते हैं, वो नंबर होते हैं, जैसे ये डिवाइजर है 1, 2, 4, 8, ये वो नंबर हैं जो 8 को कम्प्लीटली डिविजिबल कर देंगे। मतलब जैसे 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं आता, तो डिवाइजर्स वो होते हैं जिससे कोई भी नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। आगे चलते हैं, इसको पुट कराते हैं। पुट x इक्वल टू 1, मतलब +1। अब प्लस तो शो नहीं करते, वही पुराना स्टेप है हमारे पास। आप इसमें 1 पुट करा दें, ये हो जाएगा p ऑफ 1, ये हो जाएगा 1 का क्यूब +7, 1 का स्क्वायर +14, 1 और +8, 1 का क्यूब। इनको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आएगा आपके पास 30। उसके बाद देखिए आंसर यहाँ पर 0 नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, हम आगे चले जाते हैं। आगे चले जाते हैं तो 1 पुट करा था, -1 पुट करके देखते हैं। पुट x इक्वल टू -1, पी ऑफ -1, ये हो जाएगा -1 का क्यूब +7, -1 का स्क्वायर +14, -1 +8। अब इसको पुट कराएंगे, देखेंगे आंसर क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर इसका आएगा 0। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसका आंसर 0 आएगा। 1 का -1 का क्यूब -1 +7 है और ये 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, 7 और ये प्लस का 14 है, माइनस का 1 है, तो ये रहेगा -14 और +8। तो -1 +7 -14 +8, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। सही, आगे चलते हैं। ये बेसिक मैथ है, हर किसी को प्लस माइनस को करना आता है और आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हमारे पास, तो 0 किससे आया था? -1 पुट करने से, ये p है, -1 पुट करने से 0 आया था हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 लिख देंगे। अब इस -1 को उधर लेकर आएंगे तो ये रहेगा x+1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक फैक्टर फाइंड हो गया, जैसे आपको इससे पहले ही बताई थी कि हम फैक्टर फाइंड करने जा रहे थे इस मैथड के जरिए, कि 1 पुट कराना है, -1 पुट कराना है, इससे हमारे पास एक फैक्टर आ गया। ये जो x+1 एक फैक्टर आया है, ये हमारे पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारी गिवन थी इसको कम्प्लीटली डिविजिबल कर देगा। ये जो x+1 जो हमारे पास एक फैक्टर आया है, ये वाला, ये कम्प्लीटली डिविजिबल कर देगा इस वाले को, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है। तो आइए देखते हैं कि इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो पहले इसके बारे में लिख देते हैं, ये क्या था, हमने लिखा देयरफॉर, इसलिए x+1 इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। उसके बाद हमने लिखा नाउ डिवाइडिंग द गिवन पॉलीनोमियल बाय, किससे डिवाइड करेंगे, x+1 से, जो गिवन पॉलीनोमियल था, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास जिसको हमने पॉलीनोमियल ऑफ एक्स माना हुआ था, उसको डिवाइड करना है किससे, x+1 से डिवाइड करना है। आइए x+1 से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर x+1 बाहर लिख दीजिए क्योंकि इससे डिवाइड करना है, और जिसको डिवाइड करना है वो अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा x का क्यूब +7x² सॉरी +14x+8, इसको डिवाइड करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर x³ आ जाए, मतलब कि क्या लिखेंगे जो इससे मल्टीप्लाई होकर x³ आ जाए। तो मैं x² लिख देता हूँ, x² मल्टीप्लाई बाई x का क्यूब, क्योंकि हमें पहली टर्म कैंसिल करनी थी। हमने इससे पहले भी यही बात समझाया था आपको कि आप पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप पहली टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करें, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम पहली टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप क्या करें, x² को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपके पास 1x², तो x² 1 शो नहीं होता, हिडन होता है। यहाँ डिविजिबल लाइन ड्रॉ की और इसके साइन चेंज कर दिए, यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये और ये आपस में कैंसिल आउट। 7 से 7 में से 1 जाएगा, मतलब कि 7 चेयर थी हमारे पास, एक चेयर टूट गई, तो आपके पास आ गया, आपके पास आ गया 6x² 6x² और प्लस का 14, आप ऐसे ही उतार लें, इसको कॉपी डाउन कर लें। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जो 6x² आ जाए, तो अब यहाँ पर लिख लें 6x, मल्टीप्लाई कराएंगे 6x को तो ये जाएगा 6x² 6x को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो ये जाएगा प्लस का 6x, सही।
डिविजिबल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ प्लस साइन था तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, ये और ये कैंसिल आउट। 14 में से 6 को माइनस कराएंगे तो 8x। अब आप 8 को कॉपी डाउन कर लें यहाँ पे, मतलब नीचे लेकर आ जाएं। अब 8x है यहाँ पर, 8x को ख़त्म करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जो 8x आ जाए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 8, तो 8x ज़ा 8x और 8 वन ज़ा 8, डिवीजन लाइन ड्रॉ करें, माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल आउट, और 8 और 8 ये भी कैंसिल आउट। तो आपके पास दो फैक्टर आ गए इसके, x प्लस वन और x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यही होता है ना हमारे पास। जैसे फर्ज करें ये लिखा हुआ है अंदर 6 लिखा हुआ है और बाहर 2 लिखा हुआ है, डिवाइड करेंगे किससे तो यहाँ पे 3 आएगा, यही होता है। तो 2 3 6, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, यही होता है। आए यही करके लिख दें इसको, तो हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ x किसके बराबर होगा, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। पॉलिनोमियल ऑफ x इसके बराबर था, वो इसके बराबर था, x क्यूब प्लस 7x प्लस 14x प्लस 8, ये स्टार्ट में हमने आपको बता दिया था। और x स्क्वायर प्लस ये सब जो आई हैं, मतलब इसको इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा, और ये क्या था, वो ये सवाल था, जैसे आपको यही समझाया मैंने कि 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 को, तो यही कराया हमने, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कराया इससे, इससे मल्टीप्लाई करा दिया, और पी ऑफ x आ गया आपके पास ये। आगे चलते हैं, x प्लस 1 ऐसे ही लिख देंगे, इसको आप क्या करेंगे फर्दर, आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करेंगे। तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे इसकी, आप इसको पहले x स्क्वायर ऐसे लिख दें और प्लस 8 ऐसे लिख दें, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए, तो आप इसको 4x प्लस 2x में इस तरह आप तोड़ दें। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है मिडिल टर्म ब्रेक के नाम से, अगर आपने वो वीडियोज़ या वो प्लेलिस्ट आपने एक दफ़ा विजिट नहीं करी है तो आप उसको प्लीज़ विजिट कर लें, तो आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएंगी चीज़ें, और बहुत आसान है। आगे चलते हैं, x प्लस 1, यहाँ इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकालने, ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस, और इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालने, ये हो जाएगा x प्लस 4। x प्लस 1 को ऐसी कॉपी डाउन कर लें, आगे x प्लस 2 आ जाएगा, ये x प्लस 2, और ये दो मरतब ब्रैकेट हैं, इसको एक दफ़ा लिख दें, ये हो जाएगा x प्लस 4। x प्लस 1 ऐसी आ जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 4। तो जो आपका सवाल था पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इसके बराबर था, वो इसके बराबर था, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, ये इसके बराबर था पूरा, ये जो था ये आपने पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की जगह ये था, आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, किसमें, इसमें, ये इसमें फैक्टराइजेशन कर दी, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास फाइनली सवाल जो आ जाएगा वही था आपके पास सवाल, तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, हमारे इस नए चैनल एजुकेशन सिनेमा को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का जरूर लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें, जिनको रिमाइंडर थ्योरम में कुछ मुश्किल होती है उनको भी शेयर कर दें ताकि उनको भी आसानी हो जाए।